Everything is under ₹100. This is crazy, right? Hi guys, welcome back to my channel and I'm back with another haul video. So usually तो मैं अपने बालों को open करके ही सारी video बनाती हूँ, but आज मैंने कुछ नया try किया है. आज मैंने bun hairstyle बनाया है. So let me know कि आपको कैसा लग रहा है मेरा hairstyle. मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और गर्मी भी नहीं लग रही है. So video को start करते हैं. आज की video में मैं आप सबके साथ में share करने वाली हूँ Amazon random finds under ₹100. So मैं Amazon पर ना ऐसी randomly चीजें search कर रही थी, तो मुझे इतने अच्छे और यूजफुल बजट फाइंड्स मिले, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई देम आउट. सो सारी चीजें मेरे पास आ गई है और मैंने उन्हें ट्राई कर लिया है और मैं अब कह सकती हूँ कि वो काफी ज्यादा यूजफुल है और हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज आते हैं और लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है. सो इसीलिए अब मैं आपके साथ में भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी कुछ ऐसे यूजफुल बजट फाइंड्स खरीद सके. सो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, सो आप जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना. और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहां से भी फॉलो कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट. फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस आइस फेस रोलर. आई गॉट इट इन पैक ऑफ टू. लकीली ये पैक ऑफ टू में मुझे मिल गया इन जस्ट ₹129. नहीं तो ये ना सिंगल पैक जो था ना इसका, ये 70-80 रुपीज में मिल रहा था. कुछ कुछ 99 रुपीज के मिल रहे थे, बट उसके साथ में ना शिपिंग चार्जेस एडिशनल लग रहे थे 70-50 रुपीज ऐसे करके, तो वो और ज्यादा महंगा पड़ रहा था. बहुत ढूंढने के बाद में मुझे ये पैक ऑफ टू मिल गए लकीली. सो दिस इज अ स्टील डील. सो ये ना वायरल प्रोडक्ट है. एक टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था आइस फेस रोलर. तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है एंड एक आया है ग्रीन कलर में और एक आया है पिंक कलर में. अभी एक जो पिंक वाला है ना वो उसको मैंने ना फ्रीज होने के लिए रखा हुआ है. यहाँ से ना एक कैप दिया हुआ है जिसके अंदर आप वाटर फिल कर सकते हो और इसको फ्रीज कर सकते हो. ये ना सिलिकॉन मटेरियल का है और काफी ज्यादा इजी टू यूज है. आई मीन इजीली आप इसको पकड़ के ना फेस आइसिंग कर सकते हो. बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता है. नहीं तो हम अगर बर्फ से करते हैं ना तो बर्फ होल्ड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. सो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है. जब से ये मेरे पास आया है ना तब से मैं रेगुलरली फेस आइसिंग कर रही हूँ और फेस आइसिंग करने के भी बहुत सारे फायदे हैं. फेस आइसिंग करने के बाद ना एकदम से नेचुरली ग्लो करने लग जाती है स्किन, एकदम स्किन टाइट हो जाती है और मेरे जो एक्ने मार्क्स जो है ना वो भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहे हैं. आई की जो पफिनेस होती है ना वो भी रिड्यूस हो जाती है. बहुत सारे फायदे हैं. आजकल तो सेलिब्रिटी भी यूज कर रहे हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी यूज करते हैं मेकअप करने से पहले. सो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और ऐसा कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यूज कर सकते हो आप यूज नहीं कर सकते हो. सभी इसको यूज कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है ये. फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए रखा हुआ ना वो भी मैं आपको लाकर बता देती हूँ. सो एक ये ग्रीन है और एक पिंक है. ये पिंक वाला मैंने फ्रीज करके रखा हुआ है. सो मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ. सो इसके पूरी तरीके से फ्रीज नहीं हुआ है, कुछ देर पहले ही मैंने इसको रखा था. सो कुछ इस तरीके का दिख रहा है ये. सो दिस इज वेरी इजी टू यूज और इसको होल्ड करना भी काफी ज्यादा इजी है. बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता है नीचे से और आराम से आप इसको लेकर अपना फेस आइस कर सकते हो. और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. सो आपको जरूर से ट्राई आउट करना चाहिए ये प्रोडक्ट. और इसका प्राइस भी इतना ज्यादा कम है. आई मीन 129 रुपीज में आपको टू पैक ऑफ टू मिल रहा है. सो उससे और अच्छी बात क्या ही हो सकती है. सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस वन. सो नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर करा है वो है ब्यूटी कैटेगरी से. मैंने दो लिपस्टिक ऑर्डर करी है. फर्स्ट तो है ये इनसाइड कॉस्मेटिक की लिपस्टिक एंड सेकेंड इज दिस फ्रॉम द ब्रांड चूब्स स्टोर. कोई चूब्स करके स्टोर है और ये वाली जो लिपस्टिक है चूब्स स्टोर की ये है 99 रुपीज की और ये जो इनसाइड कॉस्मेटिक की लिपस्टिक है ये है 90 रुपीज की. सो दोनों ही बहुत ज्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक्स है. ये कोई अमेजोन का ही ब्रांड है, उसकी लिपस्टिक है और इस पे लिखा हुआ है टीन टीन लक्स एक्सटर्नल ब्यूटी. इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है. इसमें जो मेरा शेड है वो है न्यूड दीवा एंड कुछ इस तरीके से ये लिपस्टिक है और इसका कलर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है. लुक एट दिस, लेट मी स्वॉच इट.
ये कुछ इस तरीके का कलर है, न्यूट ब्राउनिश कलर है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और इसका जो फॉर्मुलेशन है ना लिपस्टिक का, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक है। एक ही स्वॉच में ना इतना प्यारा कलर आ रहा है इसका, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये लिपस्टिक। ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, स्मज हो रही है ये, मतलब आपको अगर आप कुछ खाते पीते हो ना तो ये डेफिनेटली रिमूव हो जाएगी और आपको इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। बट इसका फॉर्मुलेशन बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। और सेकंड है ये इनसाइड कॉस्मेटिक की लिपस्टिक। इनसाइड का ये वाला जो लोगो है ना, मेरे हाथ से मिट गया है वो, बट इसका जो कलर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये तो मैंने बहुत बार ट्राई भी कर ली है लिपस्टिक और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है इसका कलर। इसका कलर जो है वो अभी मैंने लगा के रखा हुआ है, एकदम न्यूड पिंकिश कलर है इसका, एकदम प्यारा सा प्रिटी सा। सो ये वाला इसका जो शेड है वो है 04 शेड है, और इसका जो स्वॉच है मैं आपको बता देती हूँ, और इसका ये है इसका स्वॉच। मस्त से ये ड्राई होने के बाद ना ट्रांसफर प्रूफ हो जाती है, और लाइट वेट फॉर्मूला है इसका भी, और बिल्कुल भी ऐसा हैवी फील नहीं हो रहा है, मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक है। दोनों के ही शेड्स ऐसे हैं कि इंडियन स्किन टोन पे ना सूट करेंगे। सो आई रियली लाइक इट, बोथ द लिपस्टिक बहुत ही प्यारी है। सो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस 5-in-1 मल्टी फंक्शन क्लीनिंग ब्रश। लुक एट दिस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें ना काफी सारे अटैचमेंट्स दिए हुए हैं क्लीन करने के लिए, बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है ये सभी के लिए। इससे आप आपके गैजेट्स क्लीन कर सकते हो, लैपटॉप क्लीन कर सकते हो, कीबोर्ड क्लीन कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा हैंडी है और काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। और इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 99 रुपीज है, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। लाइक आप इससे, यहाँ पे बड़े ब्रिसल्स दिए हुए हैं जिससे आप आपके जो कीबोर्ड होता है ना उसकी डस्ट इससे साफ कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का पेन दिया हुआ है, उसके अंदर भी काफी सारे अटैचमेंट्स है। लाइक ये वाला एक कुशन जैसा कुछ अटैचमेंट दिया हुआ है, ईयरपॉड्स को क्लीन कर सकते हो वहां पर, और इसके साथ में और दो अटैचमेंट्स दिए हुए हैं। लुक एट दिस, ये ऐसा पेन लाइक स्ट्रक्चर से आप आपके जो ईयरपॉड्स होते हैं उसके अंदर की जो डस्ट और डर्ट होती है ना वो निकाल सकते हो। और यहाँ पे ना ये डेंस ब्रश दिया हुआ है, छोटू सा दिखा हुआ है, आप दिख रहा होगा, इससे आप अपने ईयरफोन्स के अंदर की डस्ट साफ कर सकते हो, और अपने जो बहुत ही छोटे छोटे से बारीक बारीक वो होल्स नहीं होते हैं फोन में और लैपटॉप्स में, उसको क्लीन करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। 5-in-1 ब्रश है तो इससे एक ही चीज से ना आप काफी सारी चीजें क्लीन कर सकते हो। अटैचमेंट दिया हुआ है ना, ये जो लैपटॉप की कीज होती है ना उनको निकालने के लिए ये अटैचमेंट दिया हुआ है। मैं यहाँ पे सारी फोटोज डाल दूंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे इस ब्रश को यूज करते हैं। और ये वाला जो ब्रश है ना वो कुछ इस तरीके से यहाँ से भी निकल जाता है। ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आपको ट्राई आउट जरूर करना चाहिए। थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मल्टी फंक्शन 360 डिग्री रोटेटिंग ट्रे। ये कुछ इस तरीके की दिखती है और ये ऐसे कुछ रोटेट होती है, इसके नीचे ना ऐसे रोटेटिंग व्हील लगा हुआ है ताकि आप इसको ऐसे रख के ना हम अपना पूरा सामान रोटेट करके ले सकते हो। इसको आप एज अ किचन ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको स्किन केयर ऑर्गेनाइजर के जैसे यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा एस्थेटिक से लगती है, और इसको आप आपके मेकअप ऑर्गेनाइजर के जैसे भी यूज कर सकते हो। तो इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बट हाँ क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, बहुत ही अच्छा वाला प्लास्टिक मटेरियल नहीं है, बट ये दिखने में काफी ज्यादा अच्छी है और यूजफुल भी है। सो आई रियली लाइक इट, और मैं इसके अंदर ना अपना जो भी स्किन केयर है वो ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। और इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 99 रुपीज। सो 99 रुपीज में दिस इज अ वेरी गुड डील। हमको ना बॉटल्स क्लीन करने में बहुत ज्यादा इशू आता है, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो है ये बॉटल क्लीनर विथ अ लॉन्ग हैंडल। इसमें बहुत ही बड़ा सा हैंडल दिया हुआ है और यहाँ पे इसे सिलिकन का ब्रश दिया हुआ है जिससे बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी बॉटल क्लीन हो जाएगी। सो मैंने इसमें क्लीन करके देखी है, सो काफी अच्छे से काम कर रहा है ये ब्रश, सो आई रियली लाइक इट, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये प्रोडक्ट। इसका जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, लाइक ये सिर्फ 59 रुपीज का मुझे मिला है विदाउट एनी एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस और एनीथिंग। इसके ना एंड पर यहाँ पे हार्ट शेप का ऐसा होल भी दिया हुआ है, सो आप इसको आराम से हैंग करके भी रख सकते हो।
प्रोडक्ट आई गॉट इज दिस एलोवेरा जेल फ्रॉम बोरोप्लस ब्रांड, और बोरोप्लस का जो बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम आता है वो मैं काफी ज्यादा यूज करती हूँ. सो मुझे ना ये बोरोप्लस ब्रांड का ये एलोवेरा जेल दिखा, सो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई और इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा है. सो मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है. इसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है बट ये बहुत ज्यादा माइल्ड है, बिल्कुल भी हार्श फ्रेग्रेंस नहीं है. एंड दिस एलोवेरा जेल इज ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल. सो इस एलोवेरा जेल में एंटीसेप्टिक हर्ब्स भी है और वाइटमिन ई भी है, और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें ना सल्फेट और पैराबिन नहीं है, सल्फेट और पैराबिन फ्री है. और एलोवेरा जेल के तो बहुत सारे फायदे होते हैं, आप उसको स्किन, बॉडी एंड हेयर तीनों जगह लगा सकते हैं. सो इसमें भी आप इस एलोवेरा जेल को भी आप फेस, बॉडी और हेयर तीनों जगह पर यूज कर सकते हैं. काफी मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा जेल है ये. मैं इसको ना रात में एज अ मॉइस्चराइजर लगाकर सोती हूँ अपने हाथों पे, पैरों पर और अपने नेक पर. सुबह उठ के ना मेरी स्किन जो है ना वो काफी ज्यादा मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड ही रहती है. सो आई रियली लाइक इट. और इसका जो फॉर्मूला है वो नॉन स्टिकी फॉर्मूला है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है. आई मीन लुक एट दिस. और बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है ये स्किन पे, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहता है. सो ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है. और इस पर ऐसा विद इन सॉर्ट ऑफ ग्लो भी देता है ये, मैं लगाती हूँ उसके बाद में. सो इसमें आपको 150 ml क्वांटिटी मिलती है और ये है सिर्फ 75 rupees का. सो येस, दिस इज अ स्टील डील गाइज. और ऐसा नहीं है कि 75 rupees का है तो आपको दो क्वांटिटी ऑर्डर करनी पड़ेगी, इसमें सिर्फ आपको एक क्वांटिटी भी आप ऑर्डर कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस. सो येस, you should definitely try out this one. So next I ordered this nail paint from Juice Cosmetic. बहुत ही अच्छे से पैक होकर आया था ये नेल पेंट. यह है टॉप कोट एंड दिस इज वेरी क्विक ड्राइंग, जल्दी से ड्राई हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग भी है ये. सो अगर आप नेल पेंट लगाना बहुत ज्यादा पसंद करते हो ना तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस. ये ट्रांसपेरेंट कोट आपके पास होना ही चाहिए. जब नेल पेंट लगा देते हैं ना तो उसके ऊपर ये लगाने से ना काफी अच्छा सा ग्लॉसी सा फिनिश आ जाता है. और मैं तो अगर नेल पेंट नहीं भी लगाती हूँ ना तो ये टॉप कोट लगा लेती हूँ और ग्लॉसी ग्लॉसी लगने लग जाते हैं नेल्स. सो या आई रियली लाइक इट. और इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 90 rupees. अगर आप ऐसे ही कॉस्मेटिक स्टोर पे या फिर कोई भी स्टोर पे इसको लेने जाओगे ना तो ये 150 या 190 rupees का मिलता है, बट आई गॉट इट इन जस्ट 90 rupees. सो यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट अप आई हैव दिस पैक ऑफ 6 ब्यूटी ब्लेंडर एंड पाउडर पफ कॉम्बो. पफ और इस ब्यूटी ब्लेंडर की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी आई है. कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुआ था और ये ब्यूटी ब्लेंडर है ना थोड़ा सा दब गया है तो शायद इसीलिए इसमें ऐसी लाइन्स बन गए हैं. अदरवाइज ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, काफी ज्यादा स्क्विशी है और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहा है मेकअप को. मैंने इसको यूज करा है एक बार. नाउ आपको इसके साथ में ना 5 ये पाउडर पफ्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं. समर सीजन में तो बहुत ही ज्यादा हमको बार बार पाउडर रीअप्लाई करना होता है ना, सो दीज आर वेरी वेरी हैंडी. और बड़े वाले को आप फेस के लिए यूज कर सकते हो और ये छोटा वाला जो है इसको आप अंडर आई एरिया के लिए यूज कर सकते हो. सो दीज आर वेरी यूजफुल. सो यस, और इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी आई है. आई गॉट दीज इन जस्ट 118 rupees के मुझे ये मिले हैं. सो यस. So next up I have this nail paint remover from the brand Blue Heaven. This is their dip and twist nail paint remover. काफी ज्यादा easy हो जाता है इससे nail paint remove करना और बिल्कुल भी messy नहीं होता है. नहीं तो हम पहले जो thinner से और cotton ball से निकालते थे तो उसमें क्या होता था, बहुत देर तक हमको उसको घिसना पड़ता था और फिर वो निकलता था और वो काफी ज्यादा messy हो जाता था. But अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको बहुत time से use कर रही हूँ. This is my second bottle. और इससे ना नेल पेंट रिमूव करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है. इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 56 rupees. इसमें आपको मिलता है 40 ml ऑफ प्रोडक्ट. सो मैं इसको एक डेमो देकर आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे यूज करना है. इसमें आपको सिर्फ, मैंने अभी नेल पेंट लगा के रखी हुई है, सो इसमें सिर्फ डिप करना है और 2-3 बार इसको ट्विस्ट करना है एंड आपकी जो नेल पेंट है वो रिमूव हो जाती है. सो यू कैन सी दैट नेल पेंट इतनी आसानी से रिमूव हो गई है और बिल्कुल भी मैसी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी स्टिकी स्टिकी कुछ भी नहीं लग रहा है. सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. अगर आपको नेल पेंट नई नई लगाने का शौक है और आपको रिमूव करने में बहुत ज्यादा जान पे आती है ना तो आप ये जरूर ले लेना, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है. सो यस.
हमारे पास बचा है हमारे हॉल का लास्ट प्रोडक्ट, और लास्ट मैंने ऑर्डर करा है ये हिमालय का एंटी हेयर फॉल क्रीम, एंड दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक एंटी हेयर फॉल आता है और एक एंटी डेंड्रफ आता है। तो एंटी डेंड्रफ तो मैंने पहले ट्राई करके रखा हुआ है और मेरे ब्रदर ने भी ट्राई करके रखा हुआ है, उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। सो मैंने सोचा अब एंटी हेयर फॉल इसका जो क्रीम है वो ट्राई करना चाहिए। सो इसके साथ में इसमें ना ब्रिंगराज एंड आंवला है, और इसमें ना आपको 100 ml ऑफ क्वांटिटी मिलती है। काफ़ी सही प्रोडक्ट है ये, और ये अंडर ₹100 है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये सिर्फ ₹88 का क्रीम है। सो ऐसा नहीं है कि सारे ही प्रोडक्ट अफोर्डेबल है तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है मैंने, ऐसा नहीं है, सभी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ये भी हिमालय ब्रांड का क्रीम है, सो बिल्कुल सेफ है, आप लगा सकते हो इसको अपने बालों पर और यूज़ कर सकते हो। मैंने तो ऑलरेडी इसका एक जो दूसरा वेरियंट है वो यूज़ करके रखा हुआ है, सो आई कैन से दैट काफ़ी अच्छा क्रीम है। सो आप इसको एज अ कंडीशनर लगा सकते हो, पोस्ट या प्री शैम्पू लगा सकते हो आप इसको, दोनों ही तरीके से स्केल्प पे एंड रूट पे दोनों ही जगह पर इस क्रीम को लगा सकते हो। ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, सो दिस इज रियली नाइस। और हिमालय ब्रांड का है तो हिमालय ब्रांड बहुत ही अच्छा ब्रांड है, वी ऑल नो दैट। सो यस, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो भी बहुत ही ज्यादा माइल्ड है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ऐसी हार्श फ्रेग्रेंस नहीं है, काफ़ी माइल्ड है। सो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी फ्रेग्रेंस। सो यस, इसी के साथ में हम आ गए हैं हमारे वीडियो के एंड पर, एंड दीज वर द ऑल प्रोडक्ट्स दैट आई हैव शोन टू यू गाइज। सारे ये प्रोडक्ट काफ़ी यूजफुल है, सो यस, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट टू भी लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। चलो आज के लिए इतना ही, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।